नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिमानी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज से लेकर 20 तारीख तक इस चैनल पे हर दिन आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि आई एम सेलिब्रेटिंग लाइक इन माय वे हैशटैग डिसेंबर टू रिमेंबर। So, आज से लेकर मतलब आज है 10 तारीख और 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हर दिन एक नया वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। सो इन बिटवीन ट्रैवल भी करने वाली हूँ, सो ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड, सपोर्ट कीजिएगा। कैसे सपोर्ट करेंगे? इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इस तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आप लोगों के कमेंट्स तो हमेशा पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो या आई एम गेटिंग लाइक सो मच इनटू टॉकिंग। बट आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसी जगहें जो उत्तराखंड में हर किसी को एक बार जरूर जाना चाहिए। अब उन 5 में से आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कहां जाना है, बट मैं तो आपको बताने वाली हूं 5 प्लेसेस के नाम। तो यस, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा। तो उत्तराखंड जो है वो 2 डिवीजन में बटा हुआ है, एक है गढ़वाल डिवीजन और एक है कुमाऊं डिवीजन। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं कुमाऊं के अंदर कौन कौन सी जगहें आती है और गढ़वाल डिवीजन के अंदर कौन कौन सी जगहें आती है। सो नंबर वन में मैं आपको गढ़वाल डिवीजन के अंदर की कुछ जगहों के बारे में बताती हूँ जो आप एक साथ कवर कर सकते हो। अगर आप निकलते हो 5-6 दिन के ट्रिप के लिए तो आप एक साथ ये सारी जगहें कवर कर सकते हो। तो जर्नी आपकी मान लो दिल्ली से शुरू होती है, तो आप दिल्ली से निकलकर हरिद्वार जा सकते हो, हरिद्वार से फिर आप जा सकते हो ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश दोनों बिल्कुल लगे हुए जगह हैं। ऋषिकेश आपने घूम लिया, ऋषिकेश में आप अगर एक रात रुकोगे तो भी बहुत है, क्योंकि एक दिन आपने शाम को गंगा आरती अटेंड की और उसके बाद दूसरे दिन आप थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आपने ऋषिकेश, एंड देन आप रात को फिर ट्रैवल कर सकते हो। आपको जाना है देहरादून मसूरी तो आप डे टाइम पे भी ट्रैवल कर सकते हो, एक सीनिक जर्नी होती है वो आप कवर कर सकते हो। और उसके आगे भी अगर आपको जाना है तो दैट्स योर चॉइस, बट आपके पास 4-5 दिन का समय है, टाइम है, तो आप इतनी जगहें आराम से कवर कर सकते हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी। और अगर और थोड़ा घूमने का मन है तो लैंसडाउन भी चले जाओ यार। तो ये सारी जगहें आप एक दिन में मतलब एक ट्रिप में आप कवर कर सकते हो। सो ये तो हुआ नंबर 1। नंबर 2 पे मैंने रखा है चोपटा। नाउ चोपटा मैं गई थी इसी साल के फरवरी मंथ में। 2020 का मेरा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि बिफोर लॉकडाउन मैं 4-5 ट्रिप कर चुकी थी और उन 4-5 ट्रिप में चोपटा वन ऑफ दैम। मैं फरवरी 2020 में गई थी चोपटा और वो मेरा फर्स्ट स्नो ट्रैक था। वहां पर भयानक स्नो थी, मैंने पहली बार अपने लाइफ में स्नो ट्रैक किया था, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो अगर आप भी थोड़े एडवेंचरस हैं और आपको एडवेंचर वाली जगह जाना है तो आप बिल्कुल चोपटा प्लान कर सकते हो। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक होता है जो कि स्नो ऑब्वियसली अभी आपको मिलेगी क्योंकि टाइम है स्नो का, तो आप वो प्लान कर सकते हो। उसके साथ साथ वहां पर एक सारी विलेज है जो कि बहुत ही प्यारा सा गढ़वाल डिवीजन का ही एक विलेज है, बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर आप ट्रैक के बाद एक दिन वो विलेज में बिता सकते हो, बहुत ही शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और काफ़ी पीस मिलेगा यार। मतलब यू कैन गो फॉर दिस ट्रिप इफ आप अभी तक वहाँ नहीं गए हो। ओके, सो नंबर 3 पे मैंने जिस जगह को रखा है वो आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं एंड यू विल एंजॉय अलॉट। अब मैं बताती हूँ वो जगह कौन सी है। तो यस, इट्स नैनीताल एंड भीमताल। सो नैनीताल भीमताल आप 4 दिन के ट्रिप में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन आप नैनीताल का रख लो और 1 दिन आप भीमताल का रख लो, यू विल सॉर्टेड। और यस, दिल्ली से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता नैनीताल पहुंचने के लिए, इट्स लाइक 5-6 आवर्स का ड्राइव है सिर्फ और आप आराम से नैनीताल पहुंच सकते हो। और या यू कैन गो विथ योर फैमिली और काफ़ी इन्जॉय करोगे आप। नंबर 4, अगर आप हो वाइल्ड लाइफ के शौकीन, आपको पसंद है लाइक वाइल्ड लाइफ, तो उत्तराखंड में आप कौन से नेशनल पार्क जा सकते हो। फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट एंड सेकंड इज राजा जी नेशनल पार्क। अब मैं जिम कॉर्बेट तो गई हूँ, राजा जी नेशनल पार्क मैं गई नहीं हूँ, बट मैंने सुना है काफ़ी उसके बारे में भी। सो आप इन दोनों नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको जाना है सिर्फ जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट बड़ा जंगल है और आप वाइल्ड लाइफ, आपको इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ, सुकून से रहना है, 2-3 दिन वहां जाकर स्टे करना है, सो जिम कॉर्बेट आई वुड सजेस्ट। और जिम कॉर्बेट में काफी रिजॉर्ट्स हैं, बहुत से रिजॉर्ट्स हैं और
मैं किस रिजॉर्ट में रुकी थी अगर आपको देखना है तो आप लिंक में यहाँ पर डाल दूंगी कार्ट में, आप वो वीडियो देख सकते हो। अकॉन हाइडवे रिजॉर्ट में वहां पर रुक चुकी हूँ मैं, क्लब महिंद्रा में रुक चुकी हूँ जब मैं जिम कॉर्बेट गई थी, तो आप उनको देख सकते हो कि कैसे हैं। एंड यू कैन बुक योर स्टे एनी वेयर यू वॉन्ट बाय द वे, बट या दैट्स नंबर 4। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5, ये है कुछ जुनूनी लोगों के लिए, जो ट्रैवल के, ट्रैकिंग के जुनूनी लोग हैं जिनको ट्रैक करना बेहद पसंद है, उन लोगों के लिए भी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ये वाला पॉइंट, है ना। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है उत्तराखंड के खूबसूरत ट्रैक्स के नाम पर। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हो तो आपको जरूर जाना चाहिए केदारकंठा। चोपटा तो है ही अपने आप में, एक स्नो ट्रैक आप कर सकते हो, बट वो मॉडरेट है काफ़ी। केदारकंठा इज ऑल्सो मॉडरेट, बट इतना भी नहीं, थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, बट चोपटा जो है वो बिगनर जा सकते हैं आराम से, इजीली जा सकते हैं। बट केदारकंठा, सेकेंड इज वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर अभी आप कहाँ तक जा सकते हो ये मुझे इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्नो के टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया जाता है, बट यस वैली ऑफ फ्लावर, और नाग तिब्बा भी है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक्स हैं। पंचाचोली बेस कैंप ट्रैक होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे यार एन नंबर ऑफ ट्रैक्स इन उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है, और हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ ट्रैक, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, साथ में जाओ, किसी ट्रैवल कंपनी से कांटेक्ट करो, क्योंकि अकेले जाओ मत, मैं रिस्क लेने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। तो डेफिनेटली कांटेक्ट ट्रैवल कम्युनिटी, ट्रैवल कंपनी जो कि ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ आपके साथ एक लीडर गाइड भी जाएगा, सो आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से आप अपना एक ट्रैक प्लान कर सकते हो। सो ये थी वो 5 जगह हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप इनमें से कहीं भी जा सकते हैं उत्तराखंड में, अगर आपको कहीं पर जाना है ट्रैवल के लिए इन दिस हॉलीडे 2020, आखिरी महीना है, जा रहा है ये साल भी, तो अगर आप इसे यादगार बनाना चाहते हैं जाते जाते, तो डेफिनेटली यू शुड प्लान अ ट्रिप विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस। एंड या दिस इज इट फ्रॉम हिमानी साइड, और आपको मिलूंगी कल, यस, क्योंकि कल फिर नया वीडियो आएगा। रिमेंबर 10 दिन 10 नए वीडियो, एवरीडे न्यू व्लॉग्स विल बी कमिंग योर वे। तो यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी 10 दिन तो पक्का आने वाले हैं, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, हर दिन नोटिफिकेशन आएगा कि हिमानी ने एक वीडियो डाला है। तो यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके बताना अगर आप इनमें से कितनी जगह घूम चुके हो, और कितनी नहीं, अगर सारी भी घूम चुके हो तब भी बताना, कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एंड या विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन चारा बाय बाय।